नया IBN 7 हौसला है। और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सिख समुदाय के लोग जगदीश टाइटलर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, करीब दो रोज पहले ही यहां पर कोर्ट ने सवाल पूछा है सीबीआई से, जब तीन बारी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी इस केस में। लेकिन यहां पर जो गवाह हैं इस केस के, उनको प्रभावित और पीड़ित करने की एवज में सीबीआई कोर्ट ने यहां पर सीबीआई से जवाब मांगा कि इस पर वो क्या कहेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी आई थी, जो एक विटनेस है इस केस में अभिषेक वर्मा, जिसने ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद ही जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिल गई थी, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़ा हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी का पुतला फूका जा रहा है और जगदीश टाइटलर के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। सिख समुदाय के लोग जगदीश टाइटलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोनिया गांधी का पुतला फूका गया है, सोनिया गांधी हाय हाय के नारे भी लगाए गए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिख दंगा पीड़ितों के आरोपी जगदीश टाइटलर, हाल ही में आपको हम बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई को आदेश किया है और जवाब मांगा है कि यहाँ पे जो गवाह हैं इस केस में, उनको पीड़ित और प्रभावित करने के चलते क्या जवाब यहाँ पे दायर करती है सीबीआई। इसके अलावा अभिषेक वर्मा, जो कि विटनेस भी रहे हैं इस केस में, उन्होंने भी कहा है कि जगदीश टाइटलर ने उनसे कहा था कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई थी। आपको बता दें सीबीआई इस केस में अब तक तीन क्लोजर रिपोर्ट्स दाखिल कर चुकी है और तीसरी क्लोजर रिपोर्ट के बाद सवाल उठाए गए थे कि भला जगदीश टाइटलर को कैसे क्लीन चिट दे दी गई इस पूरे केस में। और इसी के चलते अब दिल्ली में जगदीश टाइटलर के खिलाफ यहाँ पे सिख दंगा पीड़ितों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, ये विरोध की तस्वीरें देखकर सवाल ये भी उठता है कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जवाब यहाँ पे बचता है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में आया और जगदीश टाइटलर खुद कांग्रेस के नेता, क्या जवाब देते बनेगा पार्टी से? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो लगातार ये कहती रही है कि कोर्ट की प्रक्रिया में वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। ये मामला लॉ ऑफ द लैंड में पेंडिंग है और वो जो फैसला करेगी, कोर्ट जो फैसला करेगी, वो पार्टी के लिए स्वीकार्य होगा। लेकिन इस बीच जो नए खुलासे हुए हैं उसको लेकर सिख समुदाय काफी गुस्से में है। शिरोमणि अकाली दल से लेकर के सिख समुदाय के अन्य लोग जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो इसलिए कि उनका ये कहना है कि इस मामले में शुरू से ही, जब से अदालत की कार्रवाई चल रही है, लगातार अदालत के बाहर इस मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और सिखों को न्याय न मिल पाए, जो लोग बचे हैं उस मैसेकर में उनको न्याय न मिल पाए, इस तरह की कोशिश लगातार की जाती रही है। और मनमोहन सिंह के ऊपर जो आरोप लगा कुछ दिन पहले एक गवाह के खुलासे के बाद, उस पर भी नाराजगी यहाँ साफ देखने को मिल रही है। तो सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही न्याय के खिलाफ रही है इस मामले में और उस न्याय को प्रभावित करने की कोशिश करती रही है, और उसी आरोप को लगाते हुए सिख समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे
सिख समुदाय के और 84 के दंगा पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले पुतला भी फूका गया है, सोनिया गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। यहां पे खासे नाराज ये सभी दंगा पीड़ित, खास करके जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी आया है, उसके बाद ये रोष आज दिल्ली के सिखों की ये मांग है कि इस देश के अंदर दो कानून क्यों, जब सलमान खान को हिरन को मारने पर जेल की सजा हो सकती है तो 5000 सिखों के कातिल जगदीश टाइटलर को सजा क्यों नहीं हो सकती है। सोनिया गांधी इस्तीफा दे, वो उसी कांग्रेस की अध्यक्ष है जिस कांग्रेस के जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार अचकेल भगत देते थे। और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर भी हमने सुना प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग कि सोनिया गांधी इस्तीफा दे दें, वो उसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसके नेता एचकेएल भगत और जगदीश टाइटलर थे, ये वो दो नाम जो कि आरोपी के रूप में सामने आए थे, सबसे बड़े नाम जो कि आरोपी के रूप में सामने आए थे इन 84 के दंगों में। अब सवाल ये है कि आज भी इतने साल बीत गए, 30 साल हो चुके, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए 84 के सिख दंगे एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसको हमने देखा था किस तरीके से पार्टी इस मामले से अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, इससे लगातार जूझ रही थी। क्या लगता है आपको इस वक्त, क्या पार्टी एक बार फिर से रुख को साफ करने की कोशिश करेगी? हालांकि आप बता रहे हैं कि कोर्ट के अधीन क्योंकि मामला है इसलिए ज्यादा वक्तव्य सामने नहीं आते। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार उसका स्टेटस को इस बात को लेकर बना रहता है कि सिख दंगों का सवाल जब भी पूछा जाता है कांग्रेस यही कहती है कि ये पेंडिंग है, ये न्यायालय के विचाराधीन है मामला, और इसमें जो कुछ भी हो कहेंगे हम, फैसला आने के बाद कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब कभी भी दबाव पड़ता है, चुनाव आते हैं उस वक्त अगर दबाव पड़ता है तो वो कभी जगदीश टाइटलर को साइडलाइन कर देते हैं, कभी सज्जन कुमार को साइडलाइन कर देते हैं, और जब उनको महत्वपूर्ण भूमिका देने की कोशिश कांग्रेस के अंदर की गई थी उस वक्त भी विरोध इसी तरह का हुआ था और उसके बाद जगदीश टाइटलर को साइडलाइन किया गया था। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए भी मुश्किल का सबब हमेशा से ये नेता बनते रहे हैं, क्योंकि इनका अतीत जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है और वो अतीत जो 84 के दंगे हैं उस भूमिका में बड़ा सवाल खड़ा करता है उनके ऊपर, और इसीलिए कांग्रेस गाहे बगाहे बड़ी सावधानी से इन लोगों का उपयोग